नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। अभी कुछ घंटे पहले ही तो सत्यम की बाहों से लगकर उसकी पत्नी मेनका ने फोटो खिंचवाई थी, लेकिन इस फोटो में कुछ अधूरापन था। कारण था, बेटा स्नेह तो इस फोटो में दिख रहा था लेकिन बेटी नहीं, क्योंकि मासूम परी ईशानी तो फोटो खींच रही थी। माँ को ये गवारा न था कि बेटी के बिना इस परिवार की फोटो बने। तभी रेस्टोरेंट के वेटर को बुलाया गया, उसे मोबाइल देते हुए ईशानी को अपने साथ बैठाया और फिर परिवार की फोटो खिंचवाई गई। कितनी परफेक्ट फोटो आई थी, एक हंसता खेलता परिवार। लेकिन किसको पता था कि इस परिवार की जिंदगी के फ्रेम की ये आखिरी फोटो बनने वाली है। परिवार अपनी मस्ती में मैहर के लिए निकल पड़ा। 15 मिनट की दूरी घर की बची थी कि एक अनहोनी हो गई। सत्यम की कार सीधे सामने से आ रहे ट्रक से जा भड़ी और उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। एक घंटे पहले ही हंसता खेलता परिवार दम तोड़ चुका था। कुछ सांसें बची भी थी बेटे स्नेह की, तो व्यवस्था के आगे दम तोड़ दी। अब उपाध्याय परिवार के फ्रेम में कोई नई फोटो नहीं लगेगी। क्या ये कहानी सतना जिले के सिस्टम को जगाएगी? शायद नहीं। मुझे पता है, क्योंकि इस सिस्टम की चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि किसी न किसी पराए की मौत पर इनका दिल नहीं पछीजता। हादसे के बाद 2 घंटे तक स्नेह सड़कों पर ही इलाज तलाशता रहा। पर्याप्त समय मिलने के बाद भी उसे वह चिकित्सा नहीं मिल सकी जिसकी उसे ज़रूरत थी, जिससे उसकी जान बच सके। लाखों रुपए का जिला अस्पताल में बना ट्रॉमा सेंटर कल रात को मुंह चिढ़ाता सा लगा, क्योंकि इसमें ट्रॉमा की स्थितियों से निपटने जैसा कुछ नहीं था। तब एक बद्दुआ हम सब ने उन्हें दी, जो बड़े फोटो खिंचवा कर बड़े दावे करते थे इस सेंटर के नाम पर। कलानत मलानत तो उस बिरला अस्पताल की भी करने का मन किया, जो शहर की मुफ्त जैसी बेशकीमती जमीन लेकर लोगों को इलाज से मना कर देता है। हद तो ये थी कि 1 घंटे पहले मैहर अस्पताल से रवाना हुए स्नेह की सूचना जिला अस्पताल को नहीं थी कि वह कोई व्यवस्था पहले से कर सके। घटना के 20 मिनट के भीतर अस्पताल पहुंचने वाले स्नेह ने 2 घंटे सड़क पर बिताने के बाद खानापूर्ति वाले इलाज में जिला अस्पताल में दाखिल हुआ और फिर रेफर के नाम पर सड़क पर ही दम तोड़ गया। यह एक परिवार की मौत नहीं है, ये यहाँ की चिकित्सा सेवकों की मौत है, उन नेताओं की इंसानियत की मौत है जो बड़े बड़े दावे करते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ये मौत है उन अफसरान की जिम्मेदारियों की, जिन पर व्यवस्था के सुधार और निगरानी की जिम्मेदारी है। बाकी गड्ढों और निर्माण कार्य की अनदेखी से खूनी होती जा रही सड़कों पर बोलना लिखना इन बिके हुए लोगों के सामने बेमानी है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।